पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुध पूर्णिमा के दिन साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि कई मायनों में खास होने वाला है। साल का पहला चंद्र ग्रहण शुक्रवार 5 मई को रात 8:46 से शुरू होगा और ग्रहण की समाप्ति रात 1:02 पर होगी। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा तिथि पर ही लगते हैं। इसे लेकर पुरानी कथा प्रचलित है कि पूर्णिमा के दिन जब राहु केतु चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसे धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से अशुभ माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ कामों को करना वर्जित माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर करना चाहिए। जानते हैं चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या नहीं। चंद्र ग्रहण के दौरान न करें ये काम। चंद्र ग्रहण का सूतक लगते ही विशेष कामों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और साथ ही इस समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खरीदारी करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण में भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक लगते ही पूजा पाठ जैसे धार्मिक काम करना अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धार या नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में करें ये काम। चंद्र ग्रहण में आप धार्मिक मंत्रों का जितना हो सके जाप करें और भगवान का स्मरण करें। आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही पूजा घर के पट बंद कर लें या पर्दा डाल दें। ग्रहण के बाद पर्दा हटा दें और गंगा जल का छिड़काव करें। चंद्र ग्रहण से पहले ही खाद्य पदार्थों में तुलसी या कुश डाल दें, लेकिन तुलसी के पत्तों को सूतक लगने के पहले या एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। चंद्र ग्रहण के दिन जरूरतमंदों को दान जरूर करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चावल, दूध, सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, दही आदि जैसी चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। आइए अब जानते हैं कि साल के पहले चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है। धन हानि से बचाव करें, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव करें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे, वाद विवाद और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। इस समय में जल्दबाजी में निर्णय ना लें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण पंचम भाव आ रहा है। इस समय अपने बुद्धि को तीव्र रखें, सेहत और मुकदमेबाजी का ध्यान रखें। संतान पक्ष को समस्या हो सकती है, यात्रा में विशेष सावधानी रखें। कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा खुद की राशि है। कर्क राशि के चौथे भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। इस समय अपने माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। शिक्षा और करियर में काफी मेहनत करनी होगी। स्थान परिवर्तन के मामले में विचार करें। माता और स्त्री पक्ष की सेहत का ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि के तीसरे भाव में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चली आ रही रुकावटें दूर होंगी। धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। भाई और बहन के साथ संबंधों का ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन भाव में रहेगा। चंद्र ग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। धन लाभ होगा, परिवार में खुशियां आएंगी, लेकिन उधार देने से बचना है, सेहत खराब हो सकती है। तुला राशि। तुला राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान सावधान रहना होगा। आपकी मानसिक भौतिक स्थिति कमजोर रह सकती है। सेहत की समस्या और दुर्घटना से बचें। लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखें। प्रेम और रिश्तों के मामलों में अपयश मिल सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का रहता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान मन को स्थिर रखना है। पारिवारिक और आंखों की समस्या के योग हैं। धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। वैवाहिक मामलों रिश्तों में समस्या हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि के 11वें भाव में ये ग्रहण है।
परंतु यह चंद्र ग्रहण आपके लिए धन संपत्ति वैभव सुख देने वाला रहेगा। आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, धन धाने में वृद्धि होगी, पैसा और सम्मान बढ़ेगा, अचानक से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मकर राशि। मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण के दौरान कर्मों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, रुके हुए महत्वपूर्ण काम बन पाएंगे। इस समय बड़े निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण नवे भाव में लगने जा रहा है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, सेहत और आराम का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टालने से बचाव करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण काफी खतरनाक साबित होने वाला है। इस समय माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, परिवार की सेहत का ध्यान रखना होगा, मानसिक कष्ट भी हो सकते हैं।